हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं हूं रोहित बायानी और मेरे चैनल कार स्टेटस के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं विजिट करने के लिए आया हूं शिवम कार मेलो के अंदर। ये वीडियो पूरा रहेगा सेकंड हैंड कार के ऊपर। यदि आप सेकंड हैंड कार खरीदना पसंद करते हो और आपको अच्छी कंडीशन वाली कार पसंद करना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए रहेगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सभी कार की डिटेल और हाँ, उस कार की डिटेल के साथ साथ उस कार की प्राइस भी बताने वाला हूँ। आपको कौन सी कार पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं इसके मालिक के साथ आपको मिलवाकर कार की सभी डिटेल देता हूँ। प्रशांत भाई, हमारा कार स्टेटस फैमिली के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। प्रशांत भाई, आज हम कौन सी कार देखने वाले हैं? हमारे यहाँ सभी वेराइटी की कारें अवेलेबल है, जैसे कि टाटा है, मारुति है, हुंडई है, टोयोटा है, सभी गाड़ी, रेनॉल्ट। तो हम शुरुआत कहाँ से करें? टाटा एरियर से। ओके, इसका पूरा डिटेल क्या है? 2019 फर्स्ट ओनर, फुल इंश्योरेंस, 58,000 गारंटेड, घुमा हुआ गाड़ी, एग्जैक्ट टॉप मॉडल है। नया का प्राइस इसका 24.5 लाख है, अभी इसका प्राइस 14.5 लाख है। ओके, और इस कार के अंदर इंटीरियर पार्ट में क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है? पुश स्टार्ट, स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम, एयरबैग इसमें 6 आएगा और क्रूज कंट्रोल का भी फैसिलिटी है, जीपीआरएस सिस्टम है, ऑटो क्लास मेकिंग है और ऑटो क्लाइमेट एसी है। ओके, इसके अलावा हम और कौन सी कार देखने वाले हैं? और हमारे पास है महिंद्रा की एक्सयूवी 300। ओके, 2019 का मॉडल है, 1 ओनर है, फुल इंश्योरेंस चालू है, 1,04,000 किलोमीटर जेन्यून चला हुआ है। इसका प्राइस है 10.5 लाख रुपया। इसमें 10 एयरबैग आता है, 10 एयरबैग वाला मिलेगा, यानी कि सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज इस कार के अंदर नहीं होगा। और विथ इसके ऊपर सनरूफ भी है और इसमें क्लाइमेट एसी और क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी अवेलेबल है। आपने इस कार का फ्यूल कौन सा बताया? डीजल। इसके बाद हम कौन सी कार देखने वाले हैं? ये है मारुति अर्टिका VDI, 2019 का मॉडल है, 10,50,000 बोल रहा है और ये 50,000 जनून घुमा हुआ है और GJ5 लोकल ही है। ये अर्टिका टॉप मॉडल है या इसके सेकंड मॉडल? सेकंड मॉडल है। हाँ। ये भी डीजल फ्यूल में है? डीजल फ्यूल में ही है। प्रशांत भाई, इस अर्टिका के अंदर इंटीरियर पार्ट में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम, ABS, इसमें मैकविल नहीं आएगा, बाकी USB और चार्जर पोर्टेबल अवेलेबल है। ओके, और ये कार नॉन एक्सीडेंटल है? नॉन एक्सीडेंटल। आपके यहाँ कार मेलो है, इसकी फैसिलिटी क्या क्या होती है? हमारे वहाँ कस्टमर को सेटिस्फाइड मिले वैसा हम चीज प्रोवाइड करते हैं। एक्सीडेंट नहीं, कोई पीस चेंजिंग नहीं, कलर काम नहीं होएगा, इंजन में कोई खुला नहीं होएगा, वैसा ही गाड़ी हम कस्टमर को दिखाते हैं। मतलब आपके यहाँ शिवम कार मेलों में से जो भी कार खरीदता है उसको जेन्युइन कार मिलती है? जेन्युइन कार, किलोमीटर भी जेन्युइन ही रहता है सभी कारों का। इसके अलावा हम और कौन सी कार देखने वाले हैं? इसके अलावा हम देखेंगे किया सेल्टोस, 2020 का है, डीजल है, 51,000 जेन्युइन घुमा हुआ है, उसमें टायर भी चेंज हो गए है, फर्स्ट ओनर है, फुल इंश्योरेंस है और डबल चाबी है। आपने बोला इसका टायर चेंज हुआ है, मतलब पार्टी ये कार खरीदेगा तो लॉन्ग टाइम तक उसको टायर चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। अभी 50 चला हुआ, 1 लाख किलोमीटर तक उनको टायर घुमाने का जरूरत नहीं है, नया टायर आ गया है इसमें। ओके, इसके बाद हम और कौन सी कार देखने वाले हैं? इसके बाद हम देखने वाले हैं रेनॉल्ट डस्टर। ये 2015-16 का मॉडल है, 60,000 जेन्युइन घुमा हुआ है, इसमें भी टायर नए लग चुके हैं और ये भी डीजल फ्यूल ही है। ओके, और इसके बाद हम कौन सी कार देखने वाले हैं? प्रशांत भाई, इसका पूरा डिटेल क्या है? ये 2016 की रैपिड है, ऑटोमेटिक टॉप वेरियंट, 1 ओनर है, फुल इंश्योरेंस चालू है और नए टायर डलवा चुके हैं इसमें। ओके, ये टॉप मॉडल है, इसके अंदर इंटीरियर पार्ट में क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है? इसमें तो ऑटो गियर आता है, स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम, ABS, प्रोजेक्टर लैंप और ऑटो क्लाइमेट एसी। ओके, इसके बाद हम कौन सी कार देखने वाले हैं? इसके बाद हम देखेंगे होंडा सिटी, 2017 का 11वां महीना, ये पेट्रोल ऑटोमेटिक वी वेरियंट है और इसका कीमत है 9,75,000 रूपये। ओके, मतलब 10.5 लाख रुपए में होंडा सिटी मिलने वाली है। ओके, इसके अंदर इंटीरियर पार्ट की फैसिलिटी आप बताएं। इसमें क्रूज कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट एसी, पुश स्टार्ट बटन, ABS और मैकविल। ओके, इसके बाद हम कौन सी कार देखने वाले हैं? होंडा की अमेज। अमेज ये 2019 का मॉडल है, 44,000 गारंटेड घुमा हुआ गाड़ी है, डीजल वेरिएंट, एस वेरिएंट। और इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम, एलॉय व्हील इसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये सेकंड मॉडल है इसीलिए। ये कौन से फ्यूल के अंदर बताया आपने? डीजल। डीजल में। हाँ। और इसके अंदर इंटीरियर पार्ट में क्या क्या फैसिलिटी मिलता है? इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट एसी इसमें भी आएगा, पर जो टेप डिस्प्ले वाला है वो नहीं आएगा, वो टॉप मॉडल में ही आएगा। ओके प्रशांत भाई, मेरा एक क्वेश्चन आपसे लिए ये है कि हमारी जो कार स्टेटस फैमिली है उसमें कई सारे ऐसे भी व्यूअर है कि जिसका बजट थोड़ा कम होता है, तो आपके शिवम कार मेलो में कोई कम बजट वाली कार हो तो हमारे व्यूअर के लिए जरा वो दिखाइए। हमारे वहाँ 2,75,000 से स्टार्टिंग होती है सेकंड हैंड कार, और हमारे पास 38 लाख तक का गाड़ी खड़ा है हमारे पास। उसमें वैगन आर से चालू होता है और फॉर्च्यूनर पे खत्म होता है। तो आपके पास कोई ऐसी वैगन आर है कि जो हमारे व्यूअर के लिए कम बजट वाली हो? 2011 का कंपनी फिटिंग CNG वैगन आर है, 92,000 चला हुआ। जो मैंने बताया वैगन आर 2011 का कंपनी फिटिंग CNG LXI है, ये विद CNG कंपनी फिटिंग ही है। इसमें एवरेज माइलेज सभी अच्छा रहेगा। ओके प्रशांत भाई, इस कार के अंदर इंटीरियर पार्ट में कोई भी कार खरीदने के बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट आने वाला है? कोई भी नहीं। हमारे पास जितना भी गाड़ी खड़ा हुआ है वो उसमें से कोई भी ₹1 का काम का कोई मेंटेनेंस नहीं होगा। मतलब जो गाड़ी कस्टमर के लिए आप प्राइस बोलते हो वही गाड़ी ले जाएगा, उसको एक्स्ट्रा कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि सब गाड़ी कंप्लीट होके यहाँ आ रही है। ओके प्रशांत भाई, आप और कौन सी कार दिखाना चाहते हो? और मेरे पास अर्टिका भी है टॉप वेरिएंट में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रशांत भाई, इसका पूरा डिटेल क्या है? ये 2019 का ZDA प्लस डीजल वेरिएंट में टॉप मॉडल है, 44,000 गारंटेड घुमा हुआ है गाड़ी, फर्स्ट ओनर है, फुल इंश्योरेंस है, डबल चाबी है। और इस कार के अंदर इंटीरियर पार्ट में क्या क्या फैसिलिटी? इसमें पुश स्टार्ट, स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट एसी, मैक व्हील, ABS, टोटली सिस्टम आ जाएगा। ओके, और आपने सब कार आपको दिखाई आपने हमें, तो सब में ऐसा बोला कि कोई भी कार खरीदो हमारे यहाँ से एक भी ₹1 एक्स्ट्रा कॉस्ट करने की जरूरत नहीं। प्रशांत भाई, हम कार स्टेटस फैमिली की ओर से मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, आप इतनी अच्छी कारें रखते हो तो आप कितने साल से सर्विस दे रहे हो कस्टमर को? हम 10 साल से इस लाइन में है और 10 साल से हमारे कस्टमर भी उतने ही है। हमारा ग्रुप वाइज बहुत बड़ा काम है और हम जितनी भी गाड़ियां बेचते हैं वो सभी ट्रस्ट पे जाती है और कस्टमर सेटिस्फाई होगा वही कार हम बेचते हैं। मतलब कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आपका मुनाफा है? हाँ, वही हमारा मुनाफा है। ओके, तो आपके यहाँ जितनी कार आज बताई उतनी कंपनी की रखते हो या इसके अलावा भी? ऑल ओवर कंपनी की सारी गाड़ियां मिलेगी, प्रीमियम नॉन प्रीमियम सभी प्रकार की गाड़ी हम रखते हैं। ओके प्रशांत भाई, आज हमारी कार स्टेटस फैमिली के लिए आपने वक्त निकालकर इतना बताया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। इस वीडियो के अंदर हमने सभी कारें देखी, सभी कारें की कंडीशन पूरी तरह से सही है, यानी कि प्रीमियम क्वालिटी वाली कार है। और एक कार जैसी बाहर से दिखती है उस हिसाब से ही इंटीरियर पार्ट में दिखती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।